नमस्कार किसान भाइयों, मेरा नाम है योगेंद्र यादव। आप देख रहे हैं इंडियन एग्रीकल्चर। तो आज मैं बात करने वाला हूँ किन्नू, संतरा और जितने भी नींबू वर्गीय फल होते हैं उन पर सिट्रस हैली का प्रकोप होता है, तो हम उसको किस प्रकार पहचाने और किस प्रकार उसका जैविक और रासायनिक नियंत्रण करें। तो चलिए शुरू करते हैं और इसके बारे में जानते हैं। तो किसान भाइयों, अब हम जानते हैं कि सिट्रस हैली को हम किस प्रकार पहचाने और इसकी कौन सी अवस्था है जो नुकसान पहुंचाती है और इसकी कौन कौन सी अवस्था होती है। तो किसान भाइयों, सिट्रस हैली की तीन अवस्था होती है, अंडा, निम्फ और प्रौढ। जिस प्रकार आप वीडियो में फोटो में देख रहे हैं, इसकी ये तीन अवस्था होती है। तो बात करते हैं कि इनकी कौन सी अवस्था हानि पहुँचाती है। इनकी जो निम्फ और प्रौढ अवस्था है वह हानि पहुँचाती है। अंडा अवस्था में क्या होता है कि एक मादा अपने जीवन काल में 800 अंडे तक दे सकती है। और किसान भाइयों, निम्फ अवस्था में क्या होता है कि एक मीठा शहद जैसा पदार्थ निकालती है, जिसके कारण क्या होता है फंगस लग जाती है और साथ ही पौधे में डाईबैग का भी कारण बन जाता है। और किसान भाइयों, सिट्रस हैली है जो हरित ग्रीनिंग रोग है उसके रोग कारक को फैलाने में भी सहायता करता है, उसका योगदान होता है। तो बात करते हैं प्रौढ की। प्रौढ अवस्था में क्या होता है कि ये झुंड में रहते हैं और जो नई कलिका होती है, नई फुटान होती है और नए जो पुष्प कलिका होती है उस पर रहकर उसका रस चूसते हैं, जिसके कारण क्या है पौधा कमज़ोर होता है। और किसान भाइयों, इसकी और बातें बता देता हूँ मैं कि ये एक वर्ष में अपनी 9 से 10 पीढ़ियाँ पूरी कर लेता है और इसका जीवन चक्र है जो 15 से 47 दिन, मौसम के अनुसार 15 से 47 दिन के अंदर पूरा कर लेता है। और किसान भाइयों, अधिक सर्दी पड़ने या अधिक गर्म मौसम होने के कारण इसका प्रकोप कम हो जाता है, क्योंकि वह वातावरण इसके लिए सूटेबल नहीं होता है। जैविक और रासायनिक नियंत्रण किस प्रकार करें, तो जैविक नियंत्रण की बात करते हैं सबसे पहले। तो किसान भाइयों, जब भी आपको बाग में मतलब एक दो डाली संक्रमित होती नजर आए, मतलब शुरू शुरू में आए, तो आप उस टहनी को काट दें और उसको जला देना है, उसको फेंकना नहीं है, उसको जला देना है। तो किसान भाइयों, इसके अलावा हम नीम के तेल का प्रयोग कर सकते हैं। नीम के तेल का प्रयोग हमें 3 से 5 ml 1 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करना है। और किसान भाइयों, इसके अलावा हम जो शिकारी होते हैं इसके, उनके द्वारा हम इसका किस प्रकार नियंत्रण करें। शिकारियों के द्वारा नियंत्रण करने, शिकारी का मतलब है जो कीट इस कीट को खाते हैं। तो बात करते हैं इनकी, इनमें सबसे पहले बात करता हूँ लेडी बर्ड बीटल की। इसको तो आपने आम खास पौधों में ज़रूर देखा होगा। आप इसका ज़्यादा से ज़्यादा संरक्षण करिए, मतलब जब भी आप स्प्रे करें और करें तो ज़्यादा जो हानिकारक स्प्रे है वो मत करें। यदि करें तो आप कई कीट है जो मतलब इकट्ठे करके एक जगह पहले कोई पौधों पर छोड़ दें जहाँ पर वह स्प्रे नहीं करनी है, उसके बाद में हम वापस पौधों पर इन्हें रिलीज मतलब छोड़ देंगे, जिसके कारण क्या है लेडी बर्ड बीटल है जो इसको खाती है और इसको नष्ट करती है। तो किसान भाइयों, लेडी बर्ड बीटल के द्वारा हम इसका नियंत्रण कर सकती है। और आप दूसरा कीट देख रहे हैं ओवर फ्लाइज, जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये कीट भी इसका नियंत्रण करता है। और लेस विंग जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस प्रकार का कीट भी इसको नियंत्रण करने में सहायता करता है। हम इसका रासायनिक नियंत्रण किस प्रकार करें, तो किसान भाइयों, इस कीट का प्रकोप ज़्यादातर जो मार्च अप्रैल या जून जुलाई के अंदर ही होता है, तो इसलिए हमें रासायनिक नियंत्रण करने के लिए हमें जो डाइमिथोएट 30 EC का हमें 2 ml प्रति लीटर पानी मिलाकर छिड़काव करना है। इसके अलावा हमें मिडा क्लोरोप्रीड 17 SL का से 1 ml प्रति लीटर पानी मिलाकर छिड़काव करना है। और किसान भाइयों, इसके अलावा हम प्रोफेनोफोस का 2 ml प्रति लीटर पानी मिलाकर छिड़काव कर सकते हैं। यदि आपके जो बगीचे में इसका ज़्यादा प्रकोप है तो इसके लिए हमें 15 दिन बाद में भी इसका छिड़काव कर सकते हैं। और किसान भाइयों, यदि आपके क्षेत्र में पानी की कमी और पानी की जो किल्लत रहती है, तो उसके लिए हमें इस प्रकार मल्चिंग कर सकते हैं, जिससे पौधा 1 माह तक पानी की ज़रूरत नहीं होती है। ये मल्चिंग है जो बहुत ही पानी के लिए उपयुक्त है। मल्चिंग के लिए क्या करना है, जो भी कचरा होता है उसे हम ज़मीन पर इस प्रकार ढक देते हैं, जिसके कारण पानी की कमी नहीं होती है और पानी की जो पूर्ति पौधे को बनी रहती है। उम्मीद करता हूँ किसान भाइयों, आपको वीडियो पसंद आया है। यदि पसंद आया है तो आप लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा किसानों और रिश्तेदारों तक पहुँचाएँ। आपसे मेरी यही आग्रह है कि आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं, जिससे किसानों की सहायता हो सके।
और किसान भाइयों, मेरे चैनल से जुड़ने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो भी आगे आने वाले वीडियो आएंगे वो किन्नू या अन्य जो रोग है, हरित ग्रीनिंग या डाईबैक या अन्य रोग है, उनके बारे में मैं बताऊँगा। तो आप इस चैनल को ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब करें, और नई नई जानकारी प्राप्त करने के लिए आप मेरे फेसबुक पेज का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ पर जाके आप मेरे फेसबुक पेज से जुड़ सकते हैं, या आप फेसबुक पर इंडियन एग्रीकल्चर नाम से सर्च करके भी उस पर जा सकते हैं और उसे लाइक करें, वहाँ पर मैं अच्छी से अच्छी जानकारी भी उपलब्ध कराता हूँ। और किसान भाइयों, यदि आपके क्षेत्र में कोई अन्य फसल में कोई भी समस्या हो तो आप मुझे कमेंट करके बताएं, तो मैं आपका उसको समाधान ज़रूर बताऊंगा। थैंक यू, आप सभी का धन्यवाद वीडियो को पूरा देखने के।